हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 14 है और ये थोड़ा मैंने डिफरेंट वे में आपके सामने रखा हूँ और इसके डायरेक्ट आंसर बताऊँगा और डिटेल डिस्कस भी करूँगा आपके साथ। तो तैयार रहिए, थोड़ा सा डिटेल और एक्स्ट्रा पढ़ने में अच्छा भी लगता है क्योंकि इसके डायरेक्ट आंसर तो आपको यहाँ दिख जाएंगे बट एक्स्ट्रा फैक्ट जो होंगे वो आपको किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए होंगे और मैं जोड़ के बताऊंगा। इसके पहले 13 सेट आए हुए हैं, वो एमसीक्यू रूप में है, ए बी सी डी ऑप्शन में। अगर ये टाइप आपको पसंद आएगा तो मैं देख लूँगा, बट ये इंटरेस्टिंग तरीका मैं आप आज देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाई मुगल किंगडम, तो ये है मुर्शिद कुली खां। अब देखिए, बंगाल जो था पहले, अंग्रेज़ों के आने के पहले की बात हो रही है, तो सबसे अंतिम मुगलों के द्वारा अपॉइंटेड नियुक्त गवर्नर कौन था, तो ये था मुर्शिद कुली खां। अब इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे, ठीक है। 1717 में इसकी अपॉइंटमेंट की गई थी बंगाल सूबेदार के रूप में, ठीक है। सूबेदार मतलब गवर्नर होता था। और इसने किससे अपना ये लिया था, तो वो था फरूख सियार, ठीक है, फरूख सियार से इसने ग्रांट लिया था। और इसने सबसे पहले क्या किया, अपने कैपिटल को मतलब अपने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। मतलब अभी जो आपको ढाका दिखता है ना, ये बांग्लादेश भी उस समय इंडिया में ही था, तो ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। तो ये तो याद करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, तो इसीलिए मैं फैक्ट्स रिविज़न भी कराता हूँ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी फाउट बिटवीन होम, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई, तो ये आप जानते होंगे सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये वॉर होता है, बैटल ऑफ प्लासी। इसके बारे में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो इसका डेट पूछा जाता है, तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये डेट बहुत हिस्टोरिक है, 23 जून 1757, 23rd of June 1757। अब इसमें क्या होता है, अली वर्दी खां जो थे उसके मतलब एक तरीके से ग्रैंड सन थे सिराजुद्दौला, ये नवाब बनते हैं कहाँ के, बंगाल के। और रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय के वहाँ के गवर्नर थे, उनके कुछ फैक्ट्री को सिराजुद्दौला ने सीज़ कर लिया। एग्रीमेंट पे बात बनी लेकिन वो ट्रीटी ऑफ अलीनगर था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, फलस्वरूप युद्ध होता है। अब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने दिमाग ये लगाया कि इनके जो मेन जनरल थे आर्मी के, उनको अपनी तरफ मिला लिया। जैसे उनका नाम था मीर जाफ़र, ये इनके जनरल थे, अगर उर्दू में कहूँ तो मीर बख्शी उनका नाम था, ठीक है। इनको अपने तरफ मिलाया और इनको राजगद्दी देने का लालच दिया, जिसकी वजह से ये इनकी हार हुई और यहाँ से इंडिया की किस्मत अंग्रेज़ों के पक्ष में चली जाती है। तो इसके बाद शासक कौन बनता है, मीर जाफ़र। इसके और कुछ कुछ नाम याद रखना चाहिए, मणिक चंद जो था, मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का जनरल था आर्मी का, और मणिक चंद जो था ये ऑफिसर इंचार्ज था कलकत्ता का। अमी चंद ये भी बहुत सपोर्ट करता था इस लड़ाई में, लेकिन इसने भी सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द एम्पायर ऑफ बंगाल हु हैज शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगल। अब देखिए, वहाँ आपको क्या ध्यान देना था, मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद लाया अपना राजधानी, ढाका से मुर्शिदाबाद, लेकिन मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया मीर कासिम। अब मीर कासिम जो था ये मीर जाफ़र के बाद आया था। मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स ने वहाँ जब रखा तो उन्होंने सोचा कि ये सारा काम अपना करेगा, लेकिन वो ऐसा साबित नहीं हुआ और उससे भी बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में होता है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, और ये तीनों लोग एक तरफ थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और अदर पार्टी थी, वो थे हेक्टर मुनरो, ये गवर्नर थे हेक्टर मुनरो। तो ये इसके बाद इसमें हेक्टर मुनरो हराते हैं उन्हें। और अगला जो है इसमें ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ठीक है, इसमें रॉबर्ट क्लाइव भी करते हैं। और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद सुजाउद्दौला की और शाह आलम द्वितीय से, दोनों से अलग अलग होता है। तो ये एक हिस्ट्री आपको जाननी चाहिए। फिर उसके बाद मीर कासिम को बनाया जाता है, लेकिन मीर कासिम अंग्रेज़ों को इस टैक्टिक से जाना पहचाना था और उसने अपनी राजधानी को ही बदल दिया। कहाँ बदला, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बंगाल एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर किस टाइम आपने देख लिया, मीर कासिम थे, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब था, एग्जैक्ट डेट भी याद कर सकते हैं क्योंकि बिहार वगैरह के एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, 20 फरवरी बैटल ऑफ बक्सर का जो एग्जैक्ट डेट है वो 74 याद रख सकते हैं आप।
1764 ही ओनली याद रखिए, क्योंकि ये जो 20 फरवरी 1765 में बता रहा था ये ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन होने का डेट है, तो सिर्फ 1764 आप याद रखिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ, ये हो गया 4 नंबर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, दीवानी राइट्स गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय विच एम्पायर। तो दीवानी राइट्स जो है वो किस एम्पायर के द्वारा दिया गया था। अब देखिए, जब बैटल ऑफ बक्सर होता है और उसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन होता है, तो दीवानी राइट्स अंग्रेज़ों ने ट्रीटी के थ्रू ले लिया अपने अंदर, मतलब अपने अंडर। दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्सेज, दीवानी का मतलब होता है उन्होंने अपने अंडर ले लिया और शाह आलम द्वितीय से ये पावर उन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द वाइस दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद अपॉइंटेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। इलाहाबाद संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उप दीवान कौन था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और VVI है, तो ये थे मोहम्मद रज़ा खान। क्या नाम है इनका, मोहम्मद रज़ा खान। नेक्स्ट है बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास ये कब होता है, ये होता है 1760 में, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवास होता है 1760 में और इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच को लेके आपस में लड़ाई होती है, ब्रिटिश और फ्रेंच को। तो ब्रिटिश जिसमें हराते हैं किसको, फ्रेंच को। मैक्सिमम वॉर में एक दो छोड़ दिया जाए तो ब्रिटिश ही हराते हैं सामने वाली पार्टी को, ठीक है। हु हैज सीवियरली अपोज्ड ब्रिटिश, तो ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा अगर विरोध किसी ने किया है तो वो है मराठा और मैसूर के शासक जो रहे हैं उनके द्वारा ये सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इतने विरोध करने के बावजूद ये लोग सक्सेसफुल अंततोगत्वा फाइनली नहीं हो पाए। तो चलिए आगे देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग्स टू, तो महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो ये सूकर चकिया मिसल है। अगर हिंदी में मैं लिखूं तो सूकर चकिया मिसल यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, इस मिसल से संबंधित है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, तो महाराजा रंजीत सिंह के कैपिटल थे लाहौर, ठीक है। इनकी पॉलिटिकल कैपिटल थी लाहौर और जो रिलीजियस कैपिटल है वो है अमृतसर, ठीक है। सिखों की वैसे भी उस समय दो होती थी लेकिन अमृतसर चूँकि बाद में बनता है, अमृतसर चूँकि शहर पहले ही बन जाता है तो दो राजधानियां होती हैं, एक रिलीजियस और लाहौर जो था वो पॉलिटिकल, उस समय सब एक में था। नेम ऑफ सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, तो महाराजा रंजीत सिंह के सक्सेसर या जो उनके अगली वंशज मतलब कहते हैं उत्तराधिकारी जो थे वो थे खड़ग सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट किंग ऑफ सिख स्टेट। सिख स्टेट के लास्ट जो किंग थे ये दलीप सिंह थे और इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हो गई थी, ये आपको याद रखना चाहिए। सिख जो थे ये काफ़ी बहादुर थे और सिखों से रिलेटेड आपको टोटल चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे, ठीक है। इन्होंने इस टेरिटरी को, इस एक तरीके से सेक्ट को एक मिलिट्री ब्रदरहुड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अब उसके बाद क्या क्या होता है वो आपको समझना है। महाराजा रंजीत सिंह सूकर चकिया मिसल से थे और इन्होंने सबसे पहले अपने अंदर में साके सारे सिखों को एकत्रित किया और खुद राजा बने, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सक्सेसर ऑफ रंजीत सिंह में नौनिहाल सिंह आते हैं, सबसे पहले आते हैं खड़ग सिंह, फिर नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह, फिर लास्ट में आते हैं दिलीप सिंह। इनको लेके दो बार वॉर होता है। पहला एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1845 से 46 में होता है, मैं ट्रिक दूंगा आपको अभी याद हो जाएगा। इसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होता है, तो आपने ये अभी देखा कि इनकी राजधानी लाहौर थी तो ट्रीटी ऑफ लाहौर ही साइन होगा, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ लाहौर 1845 से 46, इसमें कौन जीतता है, कोई जीता नहीं है इसलिए ट्रीटी होता है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है, इसमें डलहौजी रहते हैं, 1848 की बात है, ठीक है, मात्र 2 सालों के बाद। और डलहौजी ने पूरे सिख किंगडम को अपने राज्य में मिला लिया, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप आराम से इत्मीनान से डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताऊँ उसे कॉपी पेन के थ्रू आप नोट भी कर सकते हैं। और पहले के सारे जो 13 प्रैक्टिस सेट हैं वो MCQ के फॉर्म में हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, ABCD या 1, 2, 3 के फॉर्मेट में। बट ये थोड़ा डिफरेंट मैंने आपका मूड चेंज करने के लिए थोड़ा लेके आया हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी एक हैबिट भी चेंज रहे और वन लाइनर के तौर पे ये आपके सामने रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसा था और एक्स्ट्रा फैक्ट ज़रूर नोट करते चलिए, ठीक है। तो सेकेंड जो एंग्लो सिख वार था ये था 1848 में और फर्स्ट था वो 1845 में। तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, हु वन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो मैंने पहले भी बताया था इसको कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जीता था हैदर अली ने। इसकी रिलेटेड पूरी कहानी मैंने बहुत ही अच्छे ट्रिक से समझाई थी आपको। पहले क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। हैदर अली ने पहली लड़ाई जीती। अब हैदर अली जो था ये मैसूर, मतलब एक तरीके से वोडेयार किंगडम के बाद मैसूर को बहुत अच्छे से सुगठित करता है, और ये जीत जाने के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब ध्यान से यहाँ नोट कर लीजिए आप एक ट्रिक, ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है 1769 में। फिर से एक वॉर होता है, उसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ, बताइए कौन सी ट्रीटी होती है, मैंगलोर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर मद्रास से बड़ा है। फिर उसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्नम, मैंगलोर से बड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहला जो वर्ड में छोटा है वो पहले होता है, उससे बड़ा फिर दूसरे वार के बाद, उससे बड़ा तीसरे वार के बाद, और चौथे वार के बाद मैसूर किंगडम ख़त्म हो जाता है क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो पहला जो ट्रीटी था वो कब हुआ था, पहला वॉर हुआ था 1766 से 1769, तो इसमें हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरा होता है 1780 से 1784, और इसमें होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। नेक्स्ट होता है 1790 से 1792, और इसमें होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम। ठीक है, और इसमें 92 में होता है, और लास्ट जो है वो टीपू सुल्तान इसमें मर जाते हैं, और सेकेंड वॉर में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ईयर वाइज भी सेट होगा, ट्रिक भी होगा, जगह से रिलेटेड ट्रीटी भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सब होगा, आपको एक साथ याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन एम्पायर हु हैज एस्टैब्लिश्ड हिज एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज इन मॉडर्न वे। वह कौन सा राजा था जिसने आधुनिक तरीके से विदेशों में अपने दूतावास बनवाए? तो ये था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाए थे। ठीक है, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाए, जैकोबिन क्लब की स्थापना की, और फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में अपने शासक नियुक्त किए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंग्लिश हैज़ मेड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम विच रोल। अब मैंने आपको बताया है कि पहले वॉर में हैदर अली जीते, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ, दूसरे में वो मारे जाते हैं, और लेकिन फिर भी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर शादी होता है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम, उस समय तक टीपू सुल्तान आ जाते हैं, तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम टीपू सुल्तान के साथ साइन होता है। व्हेन टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द वार विथ इंग्लिश, टीपू सुल्तान सबसे लास्ट वॉर में मारे जाते हैं 1799 में। तो ये अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था इन सब से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, तो अगर आपने ये लगाए होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बाकी अगले एमसीक्यू से पहले टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको सारे वीडियोस और पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।